केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में भारतीय संहिता सुरक्षा विधेयक 2023 पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मॉब लिंचिंग के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान करेगी, साथ ही राजद्रोह कानून पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज जो मैं तीन विधेयक एक साथ लेकर के आया हूं, इन तीनों विधेयक में एक है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और तीसरा है इंडियन एविडेंस कोड। इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023 होगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 प्रस्थापित होगा और इंडियन एविडेंट एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रस्थापित होगा। इसके बाद अमित शाह ने कहा कि सजा का अनुपात 90% ऊपर लेकर के जाना है। इसके लिए हम एक महत्वपूर्ण प्रावधान लाए हैं। जिन धाराओं में 7 साल या उससे अधिक जेल की सजा का प्रावधान है, उन सभी मामलों में अब फॉरेंसिक टीम का अपराध स्थल पर जाना अनिवार्य कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अमित शाह ने यह भी कहा कि हमारे देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर कई अहम बदलाव होंगे और सबको ज्यादा से ज्यादा 3 साल के अंदर न्याय मिलेगा। 313 बदलाव है मान्यवर, और मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारी न्यायिक दंड प्रक्रिया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आमूलचूल परिवर्तन होगा और सबको ज्यादा से ज्यादा 3 साल के अंदर न्याय मिलेगा। मान्यवर, इसमें पुलिस अधिकारियों को भी जवाबदेह किया है, वकीलों को भी जवाबदेह किया है और न्याय करने वाले के लिए भी मर्यादाएं रखी। इसमें महिलाओं का और बच्चों का विशेष ध्यान दिया गया है, अपराधियों को सजा हो इसकी चिंता की गई है और पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर पाए ऐसा भी। इसके अंदर राजद्रोह जैसे कानूनों को एक ओर हम निरस्त कर रहे हैं तो दूसरी ओर धोखा देकर महिला का शोषण करने वाले और मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध करने वालों को दंडित करने का भी इरादा है। अब इन तीनों विधेयकों पर आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस तरह के वीडियोस आगे भी देखने के लिए खबर विभाग को सब्सक्राइब करना न भूलें।